सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए जमकर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, सत्य लिखने वाले पत्रकारों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की भारतीय झूठ पार्टी बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार और पुलिस मनमानी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की हालत यह है कि जाति पूछ कर थाने में FIR लिखी जाती है, 20-25 हज़ार रुपये देने पर थाने में FIR दर्ज होती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी के 306 विधायक बीजेपी से नाराज हैं। ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में देश की सरकार देश बेच रही है और प्रदेश की सरकार प्रदेश बेच रही है, सरकारों को देखकर अधिकारी भी लूट मचाने लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम महापुरुषों के नाम से अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कारखाने बनवाएंगे, हम मूर्ति नहीं बनवाएंगे। मैं मिनिस्टर था, आप लोगों से मिला था, उस समय भी मैंने आप लोगों से यही कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, सबका साथ सबका विकास। अब ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार में ना काट दीजिए, अब गुंडा राज और भ्रष्टाचार। अभी आज की घटना बता दूं, 2 ब्राह्मण की हत्या हुई है अम्बेडकर नगर दिन में करीब 4 घंटे पहले। रात को फैजाबाद में 2 ब्राह्मण को गर्दन काट दिया गया है। अभी इलाहाबाद में 1 प्रमुख ब्राह्मण को गोली मार दी गई है। ये लखनऊ में 1 मठ के मठा साधु को सड़क पे गोली मार दी गई है, अभी आज की घटना है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। आप भी पत्रकार भी अगर सही बात बोल दे रहा है, हजारों लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, शुरुआत मिर्जापुर से हुई। खाली वो दिखा दिया बेचारा, लिख दिया समाचार कि विद्यालय में नमक रोटी खिलाई जा रही है, तो उसके खिलाफ मुकदमा जेल भेज दिया गया। आपने देखा कि फतेहपुर में जब सही बात छाप दिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, पत्रकार को जल सत्याग्रह करना पड़ा। हजारों पत्रकार जब सही बात दिखाए तो उनके खिलाफ मुकदमा, कोई नेता सही बात बोल रहा है तो उनके खिलाफ मुकदमा, कोई अधिकारी सही बात बोल रहा है तो उनके खिलाफ मुकदमा, कोई भी व्यक्ति सही बात बोलने की हैसियत में अगर आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखने की, कि कोई सही बात ना बोले। और सही बात तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, सरकार मनमान है और पुलिस भी मनमान है। थाने पे चले जाइए तो जाति पूछ करके FIR हो रहे हैं और थाने पर 20,000-25,000 रुपए डिमांड है कि आप दो तो आपका FIR लिखेंगे और नहीं तो तुम भाग जाओ यहाँ से। जैसा कि आपने अवगत कराया कि ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है क्या? देखिए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अगर उठा के देखिए बनारस में जो बनारस का अपराधी बनारस जेल में, जौनपुर का अपराधी जौनपुर के जेल में, और इस समय सरकार का साफ साफ निर्देश है कि बदला ले लो, बदले की भावना हो रही है।